हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्मी बूट्स। द वैट फॉर 7 सितंबर 2020 इज नीड, अर्ज, ड्रग्स, रेड, लक। एंड नाउ लेट्स गो टू द रिस्पॉन्सेज। निखिल लिखते हैं, सक्सेस नीड डिटर्मिनेशन, परफेक्ट। अर्ज फॉर लर्निंग बेनिफिट स्किल्स, क्लियर। मेडिकल ड्रग्स क्योर डिजीजेज, फाइन। इन इंडिया ब्राइड्स वेयर रेड साड़ी विच इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। I don't know whether it is symbol of power or not, but yes, this sentence is very cool. Hard work overcomes luck. Good. Nikhil again, 10 on 10. All the sentences are fine and acceptable. Isleen Kaur likhti hai, helping needy gives immense satisfaction. Very good. Good result, urge to work more hard and achieve brilliance. Fine. Anti-anxiety drug help getting rid of anxiety. Isleen, this is a problem because anxiety means some mental problem, depression or sort of something. And if somebody is in a panic state or depression, and if he'll take the pill, of course, he'll get better. But this is a temporary solution. And somewhere if in SRT, VAT, TAT, we realize that a person is suffering from depression or are prone to be depressed, we avoid taking that. Okay, so improve this please. नेक्स्ट इज़ रेड क्रॉस लॉटरीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर पब्लिक, ओके। जनरल साइंस और स्पेक्ट्रम है इसमें। पेरेंट्स ब्लेसिंग सर्व्स एज अ गुड लक एट ऑल द टाइम्स। लास्ट वन इज़ वेरी वेरी इमोशनल, वेरी फाइन। तो इसलिए आपके सारे सही हैं, पर ये एंटी एंगजाइटी ड्रग्स लेके एंगजाइटी ठीक हो जाती है। इस वाले सॉल्यूशन को थोड़ा चेंज करो, क्लियर। यश लिखते हैं, वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, ओके। पॉजिटिविटी अर्ज यू टूवर्ड्स राइट पाथ, फाइन। ड्रग इन मेडिसिन फॉर्म इज़ नॉट हार्मफुल। मेडिसिन इट्सेल्फ इज़ अ ड्रग, यश। ड्रग अब्यूज़ होता है वो वर्ड जिसको बुरा माना जाता है। इनफैक्ट कभी कभी केमिस्ट के यहाँ ड्रगिस्ट भी लिखा होता है। सो ड्रग इन मेडिसिन फॉर्म इज़ समथिंग वेरी अनक्लियर। ड्रग हेल्प्स यू, मतलब आप पैरासीटामोल भी खाते हो, सो इट इज़ नथिंग बट ड्रग, ओके। रेड कलर इज़ अ सिंबल ऑफ लव, लक इज़ विद दोज हु वर्क हार्ड, ओके। ऑल आर फाइन, ऑल आर ओके, ओके। लाइक रेड इज़ अ कलर ऑफ लव, मुझे आपके बारे में खास पता नहीं चला। लक इज़ विद दोज हु वर्क हार्ड, दिस मीन्स यू आर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग। ड्रग इन मेडिसिन फॉर्म इज़ नॉट हार्मफुल, दिस इज़ ऑल्सो कूल। सो ऑल आर कूल, फाइन, एक्सेप्ट फोर्थ वन। पर फोर्थ वन गलत नहीं है, फोर्थ वन सही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको जितने वैट दिए आप सब में अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो। कुछ में आप कॉमन बातें भी लिखोगे, बिकॉज माइंड है वो वन ट्रैक नहीं चल सकता, और अगर वो वन ट्रैक चला देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके सारे के सारे सही हैं। मैं जिन सेंटेंसेस को ये बोलता हूँ ना कि ये वाले ऐसे हैं, पर वो भी चाहिए हमें एक पूरा इंद्रधनुष चाहिए सारे कलर्स का, ठीक है। त्रुपति दलवी लिखती हैं, हैप्पीनेस डज नॉट नीड मनी, ओहो वेरी गुड। पॉजिटिव अर्ज लीड अस टू राइट वे, फाइन। ड्रग इज़ ऑफ टू टाइप्स, अच्छा जी। रेड इज़ कलर ऑफ ब्लड हु डाई इन वॉर, अच्छा। वी आर नॉट ऑलवेज लकी, वी हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। ऑल ऑफ देम आर लगभग फाइन, एक्सेप्ट फ्यू, बट दे आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल एट दिस टाइम, ओके। देवांश लिखते हैं, सक्सेस नीड्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क, फाइन। आई हैव अर्ज टू ज्वाइन आर्मी। देवांश, आई हैव मैंशनड बिफोर, नेवर यूज थर्ड फॉर्म आई वी ही शी दे, ओके। थर्ड ड्रग्स आर हार्मफुल टू नर्वस सिस्टम, नॉट नेसेसरी ड्रग्स आर हार्मफुल, ड्रग्स आर मेडिसिन ओनली, ओके। फोर्थ इज रेड रोजेज डिपिक्ट लव, ठीक है। योर हार्ड वर्क डिफाइंस योर लक, ओके। सो देवांश, ऑल ऑफ देम आर फाइन, ऑल ऑफ देम आर ओके, एंड एक्सेप्ट द थर्ड वन। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ना ड्रग शब्द ही ऐसा आता है दिमाग में तो लोगों को लगता है ओ, यानी कि नशा वशा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। अतुल लिखते हैं, आर्म्ड फोर्सेज नीड कैपेबल ऑफिसर्स, यस। डिफेंस एस्पिरेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ज्वाइन द फोर्सेज, ठीक है। ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स हेल्प पर्सन टू गेट रिड ऑफ न्यूमरस डिजीजेज, ड्रग्स का ये अभी तक का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स था अतुल, गुड। फोर्थ, रेड इज़ अ सिंबल ऑफ लव, यस। लक डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क, ओके। सो अतुल, यू आर ऑल्सो 10 on 10, आई विल से 9 on 10, थोड़ा सा ऊपर नीचे है ये वाला। डिफेंस एस्पिरेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ज्वाइन फोर्सेज, बिकॉज इवन इफ समबडी इज एन आई एस एस्पिरेंट, ही ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, सो दिस वॉज वेरी कॉमन। देन वी हैव मनीषा, मनीषा लिखती हैं, हेल्पिंग द नीडी गिव सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। मेडिटेशन हेल्प टू कंट्रोल अर्ज ऑफ बैड हैबिट्स, ओके। रादर देन यू शुड हैव रिटन मेडिटेशन क्लीन्स अप योर माइंड,
मेंटल पीस मिल जाता है, ठीक है। अब बिकॉज दिस अपीयर्स कि आपने कोई बुरी आदत छोड़ी है अपनी मेडिटेशन की हेल्प से, सो आपका डिटर्मिनेशन अच्छा दिखता है, पर वो बुरी आदत क्या थी, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आर्मी वेरी इफेक्टिव कंट्रोल ड्रग स्मगलिन अक्रॉस बोर्ड, ओके। कुछ खास पता नहीं चला आपके बारे में, पर सेंटेंस एक्सेप्टेबल है। द रेड कलर इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रीफाइस एंड फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ओके होता होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। विद हार्ड वर्क एंड बिट ऑफ लक वन कैन अचीव ग्रेट, ओके ऑल आर फाइन एक्सेप्टेबल, कुछ ऐसा गलत नहीं है किसी में, ओके मनीषा गुड। अंजलि लिखती हैं पेशेंस इज नीडेड टू बिकम सक्सेसफुल, ओके। ड्रीम इज एन अर्ज विच लीड्स यू टू परस्यू गोल्स, बींग अ पार्ट ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज इज अ ड्रग फॉर मी। अंजलि दिस मीन्स राइट नाउ यू आर विदाउट योर ड्रग एंड योर लाइफ इज मिजरेबल, बिकॉज इफ इट इज़ योर ड्रग देन यू विल गेट योर ड्रग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 1 year 2 year, क्लियर। पीपल हु सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैनॉट आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन कलर वेन दे आर पुट टुगेदर, ओके। लक इज बिल्ट बाय हार्ड वर्क, ऑल आर फाइन एक्सेप्ट दैट बींग अ पार्ट ऑफ आर्मड फोर्सेज इज ड्रग फॉर मी, दिस इज लिटिल बिट हीरोइक एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम मूवीज। अभिषेक लिखते हैं कोरल रीफ इज़ नीड ऑफ एक्वाटिक लाइफ, ओके आपका जनरल नॉलेज। स्पोर्ट्स अर्ज वन टू डू बेटर ऑन लाइफ, हाँ ये अच्छा है, जो लोग स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं उनकी बाकी चीज़ें भी अच्छी रहती हैं। ड्रग्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर क्योर्स वन डिजीज़, ये अतुल की तरह लिखा है तो ये भी परफेक्ट है। मोस्टली रेड कलर इज़ प्लेड ऑन द ओकेजन ऑफ होली, ओके दिस इज़ योर परसेप्शन ओपिनियन, वी एक्सेप्ट इट। लक कम्स विद हार्ड वर्क एंड ब्लेसिंग, अभिषेक ऑल आर फाइन, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद एनी ऑफ द रिस्पॉन्स, गुड लक एंड योर SSB इज़ ऑन 9th, सो हार्टिएस्ट विशेज फ्रॉम आर्मी बूट्स, ओके। स्मृति लिखती हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स वी वॉन्ट टू बी इन अर लाइफ वन शुड नीड टू बी गुड ह्यूमन बींग फर्स्ट। स्मृति पहले तो ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, ट्राई टू राइट शॉर्ट सेंटेंसेज बिकॉज यू ओनली हैव 15 seconds टू लुक एट द सेंटेंस, लुक एट द वर्ड, फ्रेम अ सेंटेंस एंड राइट इट। And also the last part of your sentence is suggestive in nature, which I always say avoid. So avoid the use of should, must, be. Okay. Next, an urge of achieve something leads you one step closer to your goals. This is fine. She drug her mind again with those thoughts. Which thoughts? This is a problem. She drug her mind again with those thoughts. Happy thoughts, sad thoughts. There is little bit again unclarity. Red is the color of bride in India. Oh, very fine. Luck is not about destiny. It's about the hard work you put in to do something. Okay, Smriti, all are good, all are well. Except first, usko thoda chota karenge aur hum theek likhenge. Okay. Well, I got a message from Sneha Nayak and she was discussing about this VAT and we together were discussing about it. And we came to know that there are lot many factors when we judge the VAT. So just to let you know that VAT जो हम 5-5 word का कर रहे हैं, this is just for you to get familiar with the test so that you can quickly recall a good, a positive, a happy, a OLQ reflecting response whenever you see any word. सोचो अगर हम रोज़ के 5 word करते हैं तो 10 दिन में 50 और 100 दिन में 500 word हो जाएंगे हमारे पास ना। तो इस तरीके से क्या होगा, बेसिकली आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में प्री बाय डिफ़ॉल्ट ही होंगे, जैसे वो वर्ड आए बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन राइट अप अ सेंटेंस। लेटर ऑन जब हम पूरे के पूरे वैट और SRT और TAT को एक साथ करेंगे, देन आई टेल यू हाउ टू क्रिएट अ सिंक्रोनिज्म बिटवीन ऑल ऑफ देम, अमंग ऑल ऑफ देम, एंड देन विल जंप टू SD, और फिर SD मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, और फिर उस पूरे का आपके PIQ फॉर्म के साथ कैसे कनेक्शन दिखना चाहिए, आपको PIQ फॉर्म भी भरना सिखाना है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ लॉन्ग वे, बट स्नेहा वॉज कीन टू नो लाइक हाउ आई कैन जज ऑल दिस। सो आई डोंट जज द टोटल पर्सनैलिटी, आई डोंट जज वेदर द पर्सन इज दिस और दैट, बट राइट नाउ आई जस्ट जज विच रिस्पॉन्स कैन क्रिएट अ ट्रबल। फर्स्टली विल इम्प्रूव ऑल द रिस्पॉन्सेज, देन विल ट्राई टू क्रिएट अ सिंक्रोनिज्म ऑन ऑल द रिस्पॉन्सेज, क्लियर। सो दिस मच फॉर टुडे, गुड लक, जय हिंद।